नू मेवात में डीएसपी को कुचलकर खनन माफिया डंपर सहित मौके से फरार, मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश। नूह मेवात के डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलने की घटना गुड़गांव से सटे नूह जिला के तावड़ू थाना क्षेत्र के गांव पंचगांव की है। गांव से सटे अरावली पहाड़ी पर अवैध रूप से खनन किए जाने वाली सूचना डीएसपी तावड़ू सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को मिली थी। वे पहाड़ी से अवैध माइनिंग की रेड करने गए थे। डीएसपी अपनी गाड़ी के से नीचे खड़े थे कि उन पर डंपर चढ़ा दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसपी नू वरुण सिंगला सहित अनेक आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह में हुई इस घटना को बेहद दुखदायक बता कहा कि प्रदेश में खनन माफिया पर लगाम लगाएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। माइनिंग इलाके के पास चौकियां बनाई जाएंगी, माइनिंग के जाने वाले सामान और वाहनों की डेस्टिनेशन निश्चित होगी। वीरगति को प्राप्त डीएसपी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने वीरता से अपनी जिम्मेदारी निभाई, इस घटना के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। डीएसपी सुरेंद्र कुमार इसी वर्ष सेवानिवृत्त होने थे। वे हिसार जिले के अग्रवा खंड के सारंगपुर के रहने वाले हैं। क्या कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, सुने उन्हीं की जुबानी। आंगनवाड़ी वर्कर ने भट्टुकला रामसराग गदली व भट्टू मंडी में किया पौधारोपण। आंगनवाड़ी वर्कर ने मंगलवार को यहां भट्टुकला रामसराग गदली व भट्टू मंडी में पौधारोपण अभियान चलाया। सुपरवाइजर राजकौर ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिसके लिए विभाग द्वारा लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जागरूकता की मिसाल कायम करते हुए पौधारोपण अभियान चलाया। लोगों को पेड़ पौधों के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जन जागृति लाने को लेकर विभाग द्वारा समय समय पर अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें से हरियाली महोत्सव के तहत पौधारोपण अभियान यहां जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस अवसर पर अनेक आंगनवाड़ी वर्कर्स व महिलाएं मौजूद रही। गांव जांडवाला बागड़ जल घर में पानी सप्लाई की टूटी पाइपलाइन से ग्रामीण परेशान, दी शिकायत। गांव जांडवाला बागड़ के ग्रामीणों ने मंगलवार को जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता को शिकायत देकर गांव के जल घर की पानी सप्लाई की टूटी पाइपलाइन को ठीक करवाने की मांग की है। गांव जांडवाला बागड़ के ग्रामीणों ने मंगलवार को जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता को शिकायत देकर मांग की है कि उनके गांव के जलघर में पानी सप्लाई की पाइपलाइन अनेक स्थानों से टूट चुकी है, जिसे दोबारा नई पाइपलाइन डाली जावे। ग्रामीण शेर सिंह, बलबीर, फतेहवीर सिंह, राम सिंह, रमेश कुमार, सतवीर, प्रेम सिंह, सुरेंद्र कुमार, ओम प्रकाश सहित अनेक लोगों ने शिकायत में बताया कि उनके गांव के जल घर के टैंक में पानी सप्लाई के लिए गिगोरानी नहर से 20 वर्ष पूर्व पाइपलाइन डाली गई थी। यह पाइपलाइन अनेक स्थानों से टूट चुकी है, जिससे पानी व्यर्थ बह रहा है। वहीं जल घर के टैंक में पानी पूरा नहीं पहुंच पाने से गांव में पीने के पानी की कमी भी बनी रहती है। ग्रामीणों विभाग से मांग करते हुए कहा कि यह पाइपलाइन गिगोरानी नहर से जल घर तक दोबारा नहीं डाली जाए, ताकि पानी की पूरा मिल सके।